तो मुझसे ज्यादा पड़ी। किस्मत की बात है, हर कोई शाम प्रेमी नहीं होता। ये किस्मत की बात है कि हम शाम प्रेमी हैं। ये किस्मत। तैयारी उगाने के लिए पहला भजन मैं गाऊंगी। मैं इधर से ही जूती लेके जाऊंगी। ले ले वरना बाद में ताना। ये चीज मेरे साथ हुआ है जो मैं शाम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो पीछे का भीड़ देख के आप समझ सकते हो कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं जा रही हूँ बाबा श्याम के दरबार में अपने भजन की हाजिरी लगाने। कहाँ गए मेरे लंबे चौड़े भाई साहब, ये रहे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो इनके थ्रू ही आ गई मैं यहाँ पे। और यही नहीं, यहाँ पे कोई और भी है सर। तो बाबा शाम के 11 पे मुझे भजन गाने का अवसर मिला है, मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। और अभी जा रही हूँ मैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको साथ में लेके चलती हूँ। जय श्री श्याम। न जाने मुझे आज की रात में कितने जगह भजन गाने को मिलेगा। जितना ज्यादा मिलेगा मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। चक्के चढ़ जाएंगे पैरों पे। लो जी पहुंच गए हम बाबा के दरबार में। दूसरी बार है ये मेरा बाबा शाम के उसमें। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। हमारे दर्शन जो भी है वो नॉर्मल नहीं होने वाला है। मेरे भाई को मुझसे ज्यादा पड़ी है मेरे ब्लॉग की। कंटिन्यू कर दे। ये बना लिया मैंने, ऐसे निकलना पड़ता है। हम जा किधर से रहे समझ में ही नहीं आ रहा। क्या है ये शाम बगीची? किधर उधर। लिटरली मुझे रोना आ रहा है, रोना। कहाँ वो है बाबा शाम? रात हो गया और अब शायद से मैं जा रही हूँ परफॉर्म करने, भजन गाने। पहला भजन मैं गाऊंगी वृंदावन धाम में। ये लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तो मैं इधर से ही जूती लेके गई थी और आज भी मैं इधर से ही जूती लेके जाऊंगी। मैं ना यहाँ पे मतलब नहीं आने वाली थी। भैया को मैं कब से जिद कर रही थी कि लेके चलो लेके चलो, तो ये लेके आए। और अब मैं कह रही हूँ कि अब नहीं लेना, तो कह रहे ले ले वरना बाद में ताना देगी। नहीं लेना, चलो चलो नहीं लेना। दिलाया नहीं, बोल रहे नहीं, ताना देगी। दिलाने वाले तो दिला देते हैं मना करने के बाद भी। 11 पे चारों तरफ आपको इसी तरह का माहौल मिलेगा। लोग पागल हो जाते हैं 11 पे बाबा शाम के पीछे। जय श्री श्याम। अच्छा थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पे आना है गाने के लिए। ये क्या था दादा? तो ये मतलब ऐसे क्या डंडा सा था? अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं जा रही हूँ गाने के लिए। डर लग रहा है। गरीबी का दर्द मैं जानता हूं और इस गगन से ज्यादा मेरी बोली तीन बाणधारी की।
मुश्किल में कहना कृपा है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे द्वारा एक भजन आया है, मैं तो क्या ही हूँ, सब बाबा ने लिखवाया है, बस मेरे द्वारा आया है वो भजन। तो भजन का पहला लाइन है, शाम का नाम जपो तुम बनेंगे बिगड़े सारे काम। Thank you.
पहली बार मैं से बाबा के दरबार में गा रही हूँ, क्योंकि मैं दूसरी बार खटवाई हूँ। पहली बार मैं अर्जी लेके आई थी, हार चुकी थी, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। माफ कीजिएगा थोड़ा ही मैं इंग्लिश, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये चीज़ मेरे साथ हुआ है जो मैंने भजन के द्वारा गाया है। मैं हार के आई थी और बाबा ने ऐसी मेरी लीला पार कर दी कि मैं ज़्यादा करती हूँ। मेरे ब्लॉग के वीडियोस होते हैं यूट्यूब फेसबुक पे, आप गिल्ली बांडे सर्च करेंगे तो दिख जाएगा। ये मैं इनके बोले सुनना चाह रहा था, ये एक उस धरती से आई जहाँ से गिल्ली कौर, रेशमी शर्मा, और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे श्याम जी का सनातन धर्म के लिए जो लोग बॉलीवुड में अलग तरीके का प्रचार करते हैं उसमें जैसे सुमित ने एंट्री की, ऐसे ही सारे लोग हमारे धर्म से जुड़ते जा रहे हैं। गिल्ली पांडे जो कि एक यूट्यूबर, एक ऐसा फेमस चेहरा है सबके मोबाइल में हर वक्त अगर आप सर्च करोगे तो मालूम पड़ेगा। ये मुझे बताना इसलिए जरूरी था कि सब कुछ गायक ही नहीं होता, कुछ ऐसे भी यहाँ पर भजन गायक बैठे हैं जो बेचारे शायद सोच रहे हैं मैं सुमित जैसा गाना नहीं आता, तो हम छोटे लोग हैं, वो अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं, चाहे उस कड़ी में हमारी संतोष जी हैं कोई भी है। तो ये बात बताना चाहूँ हमारे श्याम परिवार का एक परिवार का हिस्सा गिल्ली पांडे और बन चुकी है जो कि बहुत बड़ी यूट्यूबर है। एक मैं तुम्हें लोगों की बात बताना चाह रहा हूँ, देखो मतलब की आप हम सबसे शेयर करने के लिए भीख मांगते हैं। एक बार गिल्ली ने अगर बोल दिया ना किसी भजन के बारे में, एक झटके में करोड़ों लोग देख लेंगे उसके लिए। एक वो चेहरा है सोशल मीडिया का, श्याम प्रभु के दरबार में इसने आकर ये महानता की है, चाहे पहनावे के रूप में चाहे बोलने के रूप में, कोई महसूस नहीं कर पाया हुआ ये कोई मॉडल है, कोई हीरोइन है, कोई स्टार है। इसकी इस भावना के लिए एक बार जोर से तालियां। अब हम लोग एक जगह तो हमारा भजन हो गया, अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह गाने के लिए, उसके बाद फिर कहीं जाएंगे, उसके बाद फिर कहीं जाएंगे। अभी भी लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं दरबार में।
इससे बड़ी बात क्या होगी, देखो भाव तो ना दिल के बोले, दिल से बोलेगा इधर 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 अभी रात के बज चुके हैं 2 और अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पे और मैं अभी निकलने वाली हूँ बाई कार दिल्ली के लिए क्योंकि सुबह सुबह है मेरा फ्लाइट। रात के 2 बजे भी देखो लोगों का प्यार बाबा श्याम के लिए, वाह। तो अभी भी हमारा जो धर्मशाला है उसमें कीर्तन हो ही रहा है। अब मैं जा रही हूँ चेंज वेंज करके थोड़ा सा सोने के लिए, पहले अपडेट लेने जा रही हूँ कि अभी निकलना है या बाद में निकलना है। तो अभी थोड़ा सा मैं भी शांति लेती हूँ। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बता जरूर देना। थक गई हूँ बहुत 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 गंदा वाला थक गई हूँ मैं। और सच बताऊँ तो मेरे जीवन का आज सबसे अच्छा दिन था। बाबा श्याम के आगे जो मैंने हाजिरी लगाई है ना, दिल खुश हो गया एकदम ऊपर से नीचे तक। मेरा जो शरीर है वो मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, शरीर का एक एक अंग खुश है। मैं बहुत खुश हूँ बहुत ही ज्यादा। बस इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जय श्री श्याम।